वैसे जितना भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं सबको तो यहीं पे हॉस्टल मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसी हॉस्टल में सबको मिलेगा, डिफरेंट में भी मिल सकता है। और ऑफर द बेस्ट, नादुन करने के बाद मिलते हैं फिर। टाटा। Three hours later. सो द मैन बिहाइंड हैज हेल्प मी अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड बिहाइंड मी दिस इज़ द कैंपस जहाँ पे हम लोग का क्लास चलने वाला है। सो दिख रहा है, दिस इज़ द कैंपस जहाँ पे हम लोग का क्लास चलने वाला है। MLT वाला का भी साथ में ही चलेगा। और इधर पीछे यहाँ पे इधर क्या बोलते हैं उसको, प्रशासनिक भवन शुद्ध हिंदी में। और जस्ट एकदम सीधे चले जाओगे आप थोड़ा सा अंदर, वो वाला जो दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे हम लोग का हॉस्टल है। मतलब अप्रॉक्स एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और हम लोग के ऑल इन वन जो हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग के जो ओवरऑल हेड हैं, वो फ़िलहाल अशोक सर हैं, जो कि हम लोग को अभी फ़िलहाल फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा रहे हैं। एंड दिस इज़ द कैंपस। मैं सोचा मेरे को छोड़ने वैसे आ रहे थे अंकल, बट कोई ना, पैदल जाएंगे, ट्रेन छूट सकती है, कोई ना, चिल चिल ही करने के लिए डॉक्टर भी बोलता है सारा। ओके, तो मेरे को, हाँ मेरे को दो तीन बात मैं सीनियर से मिला, जिनका फ़ोटो में भी अभी स्नैप हो रहा होगा। सो दे एडवाइस मी कि सना मैम जो एक्चुअली है, उनका जो वाइवा होता है वो सरप्राइज होता है। मतलब वो कभी भी पूछ सकती है, क्लास में कुछ भी पूछ सकती है, इरेगुलर होता है, रैंडम होता है। और वो जो मार्क्स देती हैं उस रैंडम जो क्वेश्चन वो करती हैं रैंडम सेशन में, उसी की बिहाफ पे देती हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, कभी भी पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती हैं जो भी वो पढ़ाती हैं, और वो मार्क्स उसी के बेसिस पे देती है। इसकी मतलब उनका मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि आप ये मत समझना कि आपका एक पर्सनल भाईवा होगा या ऐसा कुछ होगा जिसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो एक इन्फॉर्मेशन ये दिया उन्होंने, दूसरा बोला कि हमारा फर्स्ट ईयर में लग गए हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ने के लिए नहीं होता, डिग्री आने के लिए होता है, जो कि हमें मिला नहीं, कोई ना। और तीसरा क्या बोला था, कुछ भी बोला होगा। और हाँ सॉरी बॉस, मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया, अगर आप वीडियो देखते हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं भी करोगे तो मेरे को पर्सनल बात कर लेंगे, फिर मिलेंगे तो फिर जान जाएंगे एक दूसरे को, है ना। और वैसे भी मेरे को नाम वाम याद रहता नहीं, नाम डेट सबसे में भारी समस्या है मेरे को। सो राइट नाउ आई एम ऑन द वे टू लीव द BHU RGSC, और मेरे को यहाँ से ऑटो लेनी होगी जो मेरे को आधे घंटे में पहुँचाएगी मिर्ज़ापुर स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन है। और मैं ट्रेन पकड़ के दीनदयाल उपाध्याय जाएगा पहले, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेगा, वहाँ से बनारस जाएगा मेरे को, फिर बनारस में उतर के मेरे को कुछ काम है, शुद्धिकरण करना है, काशी का जल लेना है, थोड़ी मिट्टी भी लेनी है, और फिर बनारस से ट्रेन पकड़ के वापस पटना। ये था प्लान, पर साथ में चलते जाओ और मज़े उठाते जाओ। सो दिस इज़ द सेकेंड बिल्डिंग, उसके ठीक बाद ये वाला बिल्डिंग आता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ एक्चुअली, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई है नहीं। अरे ये सीधे रोड पर निकल गया ना, रोड पर निकल गया ना ये। ओके बहुत बढ़िया। सो हियर वी गो, छोटा सा रास्ता है जो कि आपको डायरेक्ट टच करता है NH से। हमारा पीछे बिल्डिंग है और डायरेक्ट NH से टच करता है। यहाँ से आप बस ऑटो फलाना चलाना जो भी लेना आपको लीजिए, मस्त स्टेशन जा सकते हैं, स्टेशन से आ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। अभी मैं रखता हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है, ठंड हवा चल रही है। हालांकि मैं अपने साथ गुड वेदर लेके आया था, यानी दो दिन, जब भी मैं आज और कल दो दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि धूप लगातार रह रही है। अभी मेरे को बस ट्रेन पकड़ना है किसी तरह, तो आई एम इन रश, मिलते हैं स्टेशन पे या फिर ट्रेन में या फिर कहीं भी नेक्स्ट मे बी सरप्राइज। द NH दिस इज बिहाइंड मी, और मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक कि बस ना आ जाए। सो आई विल बी वेटिंग ओवर हियर, बस टाइम पे बस पकड़ा जाए या ऑटो कुछ भी, ताकि टाइम से स्टेशन पहुँच सको और ट्रेन पकड़ा जाए। होप फॉर द बेस्ट। देखो तो मैं अभी स्टेशन पहुँच चुका हूँ,
मेरे पीछे स्टेशन है, और आधा किलो सेब ले लिया नाश्ते के लिए, भूख लगने वाली थी। और मेरी मेन ट्रेन जिसकी मैंने टिकट कराई थी वो जा चुकी है, तो ऑन स्टेटमेंट मैं लेट हूँ। एंड नाउ एक ट्रेन है जयनगर से, कोई ट्रेन है आई डोंट रिमेम्बर, तो उस ट्रेन को पकड़ के मैं दीनदयाल उपाध्याय जाएगा, फिर दीनदयाल उपाध्याय से एक ट्रेन पकड़ेगा बनारस जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये वाली जर्नी देखते हैं, रेस्ट वाले को रेस्ट पे छोड़ देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसे आओ चाहे बस से आओ भाई, 15 रुपीज़ स्टेशन से एग्जैक्टली RG80 तक छोड़ने का चार्ज है। सो वन मोर अपडेट सोचा बता दूँ, मैं भी आपके काम का। फाइनली आई हैव रीच्ड द दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, और इसी ट्रेन से आया होगा द नेक्स्ट ट्रेन। ये ट्रेन टाइम से पहले आ गई, मतलब 12:30 तक इसको आना था और ये आई है 12 बज रहे, तो मतलब हाफ एन आवर बिफोर आ गई ये ट्रेन। तो उस वाली ट्रेन के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा जो कि 12:45 में है। किस स्टेशन पे आएगी ये नहीं मालूम, 12:45 में उस ट्रेन को पकड़ के मैं वापस बनारस जाएगा। फॉर नाउ आई विल हैव टू वेट एक्सप्लोर, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट ट्रेन जो है हम सफ़र राजगीर न्यू दिल्ली हम सफ़र एक्सप्रेस जो कि हमारे पीछे है जस्ट हैज़ अराइव्ड। अब मैं इस पर चढ़ के बनारस जाएगा। वी हैव रीच्ड वाराणसी जंक्शन, अब यहाँ से जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना है। एंड स्टेशन को काफ़ी बेहतर बना दिया है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये सारे पोर्ट्रेज वगैरह नहीं थे, बट नाउ देयर इज। पर वो कौन सी ट्रेन है, बस की डिज़ाइन थोड़ी अलग है। ओके सो मेरे को स्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा और मैं यहाँ से काशी के लिए निकलेगा। आई विल गेट द वाटर फ्रॉम देयर, जो मैं बता चुका हूँ कई बार। लेट्स डू दिस। अब BHU या फिर लंका जाना पड़ता है, मतलब BHU जाने के लिए यहाँ पे लंका बोलना पड़ता है। दिस इज स्टेशन बिहाइंड मी, और स्टेशन के जस्ट बगल से पीछे ढेर सारा, मतलब कि रोड को क्रॉस करने के बाद ढेर सारी गाड़ियाँ मिलती है जिसकी मदद से आप BHU जा सकते हो। मतलब यहाँ पे लंका बोलते हैं, लंका बोलोगे तो वो ले चला जाएगा। पर मेरे को जाना नहीं है वहाँ, मेरे को घाट जाना है, तो मैं घाट के लिए ऑटो घूम रहा हूँ। ज़्यादा जाम की वजह से गाड़ी को पीछे ही उतार दिया गया, हम लोग को यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। पूरा बहुत दूर तक जाम है, पीछे भी जाम था, तो वैसे भी 1 किलोमीटर का मतलब 1/2 किलोमीटर के अप्रोक्स पैदल ही चल के जाना पड़ता है घाट तक। उधर गाड़ी अलाउड नहीं करता, ऐसे भी कोई गाड़ी अलाउड नहीं है, एक ऑटो बस दिख रहा है मेरे को। और पहले घाट पे पहुंचते हैं, फिर घाट के मजे लेते हैं। और दिस डब्बा फॉर 20 रुपीज़, अभी इसमें पूरा वो पानी भर के आना है। अभी ट्राई करना है कि कितना बीच से पानी निकल के आ सके, तो उसके लिए शायद मेरे को बोट में भी चढ़ना पड़ सकता है। ये ब्रिज डेवर को दिखाता हूँ मैं। पर 100 रुपया 120 रुपया पर हेड बोल रहे हैं, हालांकि बोले उन्होंने कि उन्होंने बोला कि वो पर्सनल ले जाएंगे, बट जाना नहीं मेरे को।
आई थिंक ये सब शायद कोई कह रहा था कि साइबेरियन बर्ड है, तो मैं करेगा क्या इसके साथ जा करके, ये सब साइबेरिया से हर साल उड़ करके आते हैं, पर मैं कुछ कर नहीं सकता है, कर भी नहीं सकते कोई कुछ। अगर मतलब इसका कुछ लॉ होता है, जब ये बॉर्डर पास करते तो इनका नंबर काउंट होता है, फिर रिटर्न में भी नंबर काउंट होता है, तो उस हिसाब से शायद ये होता है। चलो अभी फिलहाल अपना काम करते हैं, पहले पानी डालते हैं फिर मिलते हैं। पहले बैलून पे बना हुआ है ये बेसिकली पूरा ब्रिज, ये बैल ये खाली डब्बा है, खाली डब्बे को एक साथ रख करके उसको बोलते हैं ना, वो एक ब्रिज होता है वो वाला बना हुआ है। आई थिंक ये फ्लोट भी करेगा। यस, ये बिल्कुल डब्बा है, ये फ़ोन रख लेता है मैं, साला गिर गया तो गया फिर। सीधा फीस खुले आंख से तो साफ दिख रहा है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा शायद फीस। जल भरने का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, देयर पीपल आर बाथिंग, यही वो चीज़ है तो दिखता है वहाँ पूरा ब्रिज से ऊपर से, बस लाइट जलता है तो बहुत तगड़ा वाला दिखता है। अरे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो जो आरती हो रही थी मैं उसको फ्रंट से कवर किया था, मैं किसी गलत जगह पे था शायद, इस बार तो कवर नहीं कर सकते हैं। एक बार जब मैं आया था तो यहीं पे कोई लोग डूबते डूबते बचा था, मैं और मेरे पापा थे। वे ये खुले आंख से भी दिख रहा है, मुझे लगा सिर्फ पोलराइज ग्लास से ही दिखता है। चलो कोई ना, एकदम पानी में पूरा पानी में मछली भरा हुआ, छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं, दे आर लाइक क्यों क्यों। सो लगता है यहीं तक वीडियो को, घाट दिख लिया आपने, मैं पानी भर लिया, अभी सिर्फ मिट्टी का सोचना है, मिट्टी भी हो जाएगी फिर मैं सीधा घर निकलेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, टिल देन बी सेफ बी हैप्पी। All right.